माफी दिलावर, माफी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। गुमा क्या अंबट कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचा यहीं इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबट, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है न देखता है न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। माफ कर सो तेरी माँ की। छोड़े, फिकर मत कर वाडला, तुझ पे इतने मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा, सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। नहीं सरकटी मुर्गी को देखा है भाई, कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। साहब, 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 मेरे को अंदर कर दो साहब, अंदर कर दो मेरे को साहब, मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ साहब। वो चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार मैं था साहब, सादिक को भी मैंने ही मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया साहब। अरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब। आपको मेरे पे जो केस थोपना है थोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब। ए साहब अंदर डाल दो ना साहब। ए चल चल अंदर डाल दो ना साहब। सलाम साहब, क्या खबर है? खबर एकदम कड़क है, आज वो होने जा रहा है जो बंबई के अंडरवर्ल्ड में अब तक कभी हुआ नहीं है, सुलह मस्तान और हक्सर भाइयों के बीच। कहाँ? आजी मकसूद के घर।